बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आज की आपको बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 2 अप्रैल को भारत बंद का वो मामला, तो आपको याद होगा 2018 के अंदर भारत बंद अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, उसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी चुनावी आगाज 2 अप्रैल को ही करने जा रही है। और आज उड़ीसा से आज उनकी जनसभाएं हैं और इस रैली के अंदर उनके साथ आकाश आनंद भी रहेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा भी रहेंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती रहेगी और जो उड़ीसा के उनके स्थानीय नेता है साथ ही प्रभारी वहां के धर्मवीर अशोक भी इस मंच के ऊपर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें उड़ीसा के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और इसके साथ लोकसभा के चुनाव भी है। करीब बसपा 145 सीटों पर विधानसभा के चुनाव उड़ीसा के अंदर लड़ रही है। तो उड़ीसा के अंदर से कल बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रैलियों का आयोजन, आज 2 अप्रैल को उनकी पहली रैली उड़ीसा के अंदर होगी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की जो चुनावी समर है उनका आगाज कर दिया, चुनावी जो रैलियां उनको आगाज कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली, पहली रैली आज उड़ीसा के अंदर होने जा रही है और ये लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं कई दिनों से कि अलग अलग राज्यों के अंदर उनकी करीब 100 रैलियां होने जा रही है। और उससे पहले ये बड़ी खबर है कि 2 अप्रैल को आज उनकी रैली उड़ीसा के अंदर आयोजित की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती उड़ीसा के अंदर जन समुदाय को संबोधित करेगी, पूरे देश के लोगों की उन पर नजर रहेगी कि आखिर वो क्या कहेंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी ये पहली रैली होगी और बीजेपी कांग्रेस सहित तमाम लोगों पर उनका क्या रुख होता है, क्या अटैक उनका होता है, ये आने वाले इस जनसभा के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको बड़ी खबर ये बसपा सुप्रीमो मायावती की आज उड़ीसा के अंदर रैली होगी और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा और धर्मवीर अशोक प्रभारी है जो और जल मंत्री भी रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की जो यूपी के अंदर सरकार रही थी उनमें, तो उड़ीसा के उनको प्रभारी लगाया गया तो उनकी मंच पर मौजूदगी रहेगी। इसी के तहत उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और तमाम प्रत्याशी जिनकी सूची जारी की जानी है वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर आपको बता दें कि बड़ी इस खबर, आप इसे मान सकते हैं आने वाले दिनों के नहीं बल्कि अपना चुनावी अभियान बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज शुरू कर दिया और कल 3 अप्रैल को भी उनकी रैली है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर, वो 3 और 4 तारीख को रहेगी। तो उनकी लगातार अब रैलियां 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल 5 अप्रैल को लगातार उनकी रैलियां शुरू हो चुकी है और आज ये बड़ी खबर, आज से ही अपना चुनावी समर का आगाज करने जा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। 2 अप्रैल को उनकी पहली रैली उड़ीसा के अंदर होने जा रही है।